पेट में 33 से 55 सैनिक, 24 स्ट्रेचर या 11,000 किलोग्राम वजन उठाने की क्षमता रखने वाले CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर की पूरी फ्लीट को अमेरिका ने जमीन पर उतार दिया है। सारे के सारे 400 हेलीकॉप्टरों को डोट फिलहाल इसकी सेवाएं नहीं ली जा रही हैं। इस हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खूबसूरती और हैरान करने वाली बात है उसके डबल रोटर यानी दो बड़े पंखे के सहारे इसका उड़ना, जैसे किसी एलियन दुनिया का। या जिस अमेरिकी हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाई उसकी पूरी फ्लीट को अमेरिका ने अपने यहाँ जमीन पर उतार दिया है। चिनूक दुनिया के बेहतरीन हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स में से एक रहा है। आप दाराहत और मिलिट्री मिशन में बेहतरीन काम किया है। चिनूक अमेरिका में क्यों फेल हो रहा है? क्या इससे भारत पर कोई असर पड़ेगा? इसे पहली बार 1961 में उड़ाया गया था, तब ऐसे हेलीकॉप्टर की कल्पना भी नहीं की गई थी। साल 2012 तक पूरी दुनिया में 1200 से ज्यादा ऐसे हेलीकॉप्टरों का उत्पादन किया गया। भारतीय वायुसेना के पास भी 15 चिनूक हैं और हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर नहीं दिया गया है, नहीं निकट भविष्य में ऐसी कोई योजना है। पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर या लोडमास्टर वाले 3 सदस्यीय क्रू वाले हेलीकॉप्टर की रेंज 740 किलोमीटर है। 98 फीट लंबे हेलीकॉप्टर की गति 315 किलोमीटर प्रति घंटा है। CH-47 चिनूक दुनिया के तेज उड़ने वाले भारी परिवहन हेलीकॉप्टरों में शामिल है। यह 12.5 फीट चौड़ा और 18.11 फीट ऊंचा होता है। चीन सीमा के पास लद्दाख में इसकी तैनाती भी की गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस हेलीकॉप्टर से भारतीय मिलिट्री की ताकत बढ़ी है, भारत के पास भी 15 अमेरिकी चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं और ये भारतीय सेना की बड़ी ताकत कहे जाते हैं। इस हेलीकॉप्टर को अमेरिकी कंपनी बोइंग की ओर से निर्मित किया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करने में ये हेलीकॉप्टर काफी मददगार है। भारत को फरवरी 2019 में चिनूक हेलीकॉप्टरों का पहला बैच मिला था। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने 2020 में भारतीय वायुसेना को 15 चिनूक हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी की थी।